क्लास 12th में प्रज्ञा और रितेश दोनों साथ साथ थे, और यार प्रज्ञा बहुत ज़्यादा फेमस थी इस बात के लिए कि उसका 11th वेस्टेड है, तो उसे कुछ आता नहीं है क्लास 12th में, बट वो बहुत ज़्यादा घिस्सू स्टूडेंट के रूप में जानी जाती थी, और जिस बात पर सारे सारे स्टूडेंट उस पर हंसते थे वो था उसका सिली डाउट्स। वो जो सिली डाउट्स थे ना वो अजीब अजीब होते थे, और स्टूडेंट्स तो क्या टीचर भी उस पर हंसते थे। मुझे जो बात उसमें सबसे अच्छी लगती थी वो ये, कोई फर्क नहीं पड़ता था उसको किसी से, कोई फर्क नहीं, अपने डाउट्स के साथ वो जीती थी, अपने डाउट्स, बस अपने डाउट्स उसको किसी भी तरह से खत्म करने होते थे, और दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस घिसाई करनी है, प्रैक्टिस करनी है, चाहे क्वेश्चन 10 बार में समझ में आए लेकिन 10 बार उसको करना ही करना है। वहीं पर रितेश जो है वो एक ऐसा स्टूडेंट था जो कि यार बहुत स्मार्ट स्टूडेंट के रूप में जाना जाता था, कि कम पढ़ेगा उसके बावजूद अच्छी रैंक बना देता है, टॉप 5 में मेंटेन करता है अपने आप को, कम पढ़ करके भी वैसे मस्ती करते रहता है, बट जब एग्जाम का टाइम आता है तो फटाफट पढ़ करके अच्छी रैंक बना देता है। एक बार का इंसिडेंस ऐसा है कि डाउट्स डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो उसमें प्रज्ञा ने एक डाउट पूछा जिसमें उसका आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो उसने बोला कि सर प्लीज इसमें चेक कर दो क्या गलती कर रही हूँ कि आंसर आ ही नहीं रहा है। तो यार हम सारे जो उसके इसेंशियल स्टेप्स थे क्वेश्चन के वो चेक कर रहे थे कि क्या गलती कर दी उसने, क्या गड़बड़ कर दिया, तो करीब चेक करते हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गए, समझ नहीं आ रहा था कि क्या ऐसा स्टेप कर दिया यार। मुझे लग रहा था बार बार कि उसने कैलकुलेशन में किया होगा, तो कैलकुलेशन भी चेक कर ली 2-3 बार, लेकिन तभी पर पता नहीं चला कि उसने क्या गलती किया। अचानक से फिर ये दिखाई दिया कि उसने मोलैलिटी की जगह पर, जस्ट इमेजिन दैट, मोलैलिटी में आप क्या करते हो, मोल पर केजी करते हो, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यार आप किसी स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करोगे कि मोल पर केजी की जगह उसने क्या कर दिया हो, वॉल्यूम लिख दिया हो, मतलब मोलैलिटी को मोलैलिटी मान करके सॉल्विंग कर दी हो, इस वजह से आंसर उसका मैच नहीं कर रहा था। तो ये एक बहुत ही छोटा सा डाउट था, बहुत ही सिली सी चीज थी जो कि नहीं करनी चाहिए थी, और इनफैक्ट कि उसके दूसरे सिली डाउट्स के सामने तो सिली चीजों के सामने तो ये फिर भी एक डिसेंट सी चीज थी। बट उसी टाइम पर रितेश था, और जो 10 मिनट उसने बर्बाद किए डाउट्स पूछने में, रितेश को आ गया उस पर गुस्सा, और बाद में उसने गुस्सा मुझ पर भी उतारा। इसने बोला कि सर आप ऐसे ऐसे स्टूडेंट के पीछे टाइम बहुत वेस्ट कर देते हो, उनका तो कुछ होने जाना है नहीं, आप हमें टाइम दे दिया करो उसकी जगह पर। मैं हंसा, मैंने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता, सिली से सिली डाउट्स मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 की भी देखी है, तो इसीलिए कोई स्टूडेंट भी हो, कैसे भी सिली डाउट्स हो, सबको बराबर हक पहुंचता है कि मैं सबको बराबर टाइम दूं। अब सोचो टाइम बीत गया, वक्त बीत गया, एग्जाम्स हो गए, रिजल्ट आ गए, वही घिस्सू स्टूडेंट, वही स्टूडेंट जिसके डाउट्स बहुत सिली होते थे, लोग इस पर हंसते थे, वही स्टूडेंट जिसके बारे में सभी कहते थे कि ये तो बोर्ड भी नहीं पास करेगी, ये तो फेल करेगी, इसने जी एडवांस में अराउंड 1600 रैंक बनाई, एंड रितेश इसकी रैंक 7500 के आसपास आई थी। तो मैसेज ये है मेरे दोस्त कि दुनिया चाहे तुमको कितना भी डंब बोले, चाहे कितना भी बेवकूफ बोले, कितना भी घिस्सू और सिली डाउट्स वाला बोले, तुम चलते रहो, तुम कंसिस्टेंसी से चलते रहो, कंसिस्टेंसी अनलॉक्स पोटेंशियल, इस फॉर्मूले को याद रखो और देखो तुम कैसे बवाल मचाते हो।